हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 9 मृदा बाय राजन सूर्यवंशी सर। अब हम बात करेंगे अध्याय में आए हुए प्रश्नों की यानी कि अभ्यास की। तो देखते हैं प्रश्न नंबर एक और दो में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। प्रश्न नंबर एक यानी पहला पॉइंट, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं का वायु और जल, खा जल और पादप, गा खनिज जैव पदार्थ, वायु और जल, घा जल वायु और पादप। उत्तर आएगा खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। दूसरा है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। पहला बलुई मृदा में, दूसरा मरणमय मृदा में, तीसरा दुमटी मृदा में, चौथा बालू और दुमट के मिश्रण में। उत्तर है गा दुमटी मृदा में। प्रश्न नंबर तीन, कॉलम ए में दिए गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गुणों से मिलान कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी का जीवों को आवास देने वाली, इसका उत्तर है सभी प्रकार की मृदा। मृदा की ऊपरी परत, इसका उत्तर है गहरे रंग की। बलुई मृदा, इसका उत्तर है बड़े कण। घा मृदा की मध्यम परत, उत्तर है ह्यूमस की कम मात्रा। चा मृणमय मृदा, उत्तर है सघन छोटे कण। प्रश्न नंबर चार, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। उत्तर है मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। पवन जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी कि चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। चट्टानों की दरारों में पानी भरा रहता है। तापक्रम कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। बर्फ के रूप में आने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। जब यह बर्फ टुकड़ों में फैलती है तो वायुमंडल और ताप की प्रक्रिया द्वारा चट्टानें चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर पाँच, मरणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। उत्तर है पवन वर्षा ताप प्रकाश आर्द्रता कुछ जलवायु कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। मरणमय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी है। यह मृदा ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है, अतः यह फसलों के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर छः, मरणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। तो मरणमय मृदा और जलुई मृदा में अंतर निम्नलिखित हैं। मरणमय मृदा और बलुई मृदा, देखते हैं सबसे पहले मरणमय मृदा। नंबर एक, मरणमय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है। नंबर दो, इस मृदा में जल की अंतःश्रवण दर सबसे कम होती है। नंबर तीन, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, अतः यह अधिक उपजाऊ है। देखते हैं बलुई मृदा। बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। नंबर दो, इस मृदा में यह अंतःश्रवण दर सबसे अधिक होती है। नंबर तीन, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, अतः यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। प्रश्न नंबर सात, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। उत्तर है मृदा की विभिन्न परतें। तो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं जिसमें मृदा की ए बी सी एवं कठोर आधार सेल दिखाई गई हैं। ए संस्तरित स्थितियाँ, ह्यूमस
शीर्ष मृदा जीवों का आवास, ये दिखाया गया है। बी में बी संस्तर स्थितियाँ गणित खनिज लवण दिखाए गए हैं। सी संस्तर स्थिति छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और चट्टानों के पिंड दिखाए गए हैं। सबसे नीचे होता है कठोर आधार सेल। चित्र को बनाएं ध्यान से और इसको स्वच्छ तरीके से बनाने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 8, रजिया ने खेत में अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा किए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःश्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःश्रवण दर परिकलित कीजिए। उत्तर है, अंतःश्रवण दर बराबर सूत्र क्या होता है इसका, जल की मात्रा बटे अंतःश्रवण अवधि। तो उसको लगा, उसने जल लिया 200 ml, समय लगा बटे 40 मिनट, तो बराबर आया 5 ml प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 9, समझाइए मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। उत्तर है, मृदा प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है। पहला, पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 2, विभिन्न उद्योगों तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों एवं रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। नंबर 3, पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। नंबर 4, जंगलों की कटाई को रोका जाना चाहिए। नंबर 5, खेतों की अधिक बार जुताई नहीं करनी चाहिए। मृदा अपरदन को रोकना, पहला, वनों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। नंबर 2, हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ग पहेली देखते हैं, उसमें सीधे यानी कि बाएं से दाएं तरफ देखते हैं। पहला है, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। उत्तर आएगा पॉलीथीन। दूसरा, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। उत्तर आएगा मृन्मय। चौथा, इस प्रकार की मृदा से सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। उत्तर है दुमटी। नंबर 5, मृदा परिच्छेदिका की परत। उत्तर है आधार सेल। 8वां, वनस्पति ना होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। उत्तर है पवन। नंबर 9, इस प्रकार की मृदा सुबातित एवं शुष्क होती है। उत्तर है बलुई। 10वां, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता। उत्तर है जल धारण। अब देखते हैं ऊपर से नीचे। दूसरा, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है। उत्तर है मृदा। तीसरा, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव। उत्तर है अपरदन। छठा, मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया। उत्तर है अंतःस्रावण। प्रश्न नंबर 7, किसी स्थान की मृदा की परिच्छेदिका। उत्तर है प्रोफाइल। हमारा पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, समझें और अपनी फेयर कॉपी पर लिखें। धन्यवाद।